नमस्कार दोस्तों आज हम इम्पिडेंस ऑफ ए मीडियम टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे वेन एवर ए वेव्स मूव्स इन एनी टाइप ऑफ मीडियम देन दैट मीडियम ट्राइज टू अपोज द प्रोपोगेशन ऑफ द वेव थ्रू दैट मीडियम एंड दिस अपोजिशन ऑफर्ड बाय द मीडियम इज बेसिकली कॉल्ड एज द इम्पिडेंस तो इम्पिडेंस मीन्स नेट ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम में भी कंडक्टिंग मीडियम इंसुलेटिंग डायलैक्ट्रिक किसी भी तरह का मीडियम हो सकता है तो जब भी कोई वेव जो है वो किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम सॉरी किसी मीडियम के अंदर जो है हाँ वो मूव करेगी तो वो जो नेट रेजिस्टेंस ऑफर हुआ उस नेट रेजिस्टेंस को हम जो है हाँ वो साइंस की टर्म में इंपिडेंस शब्द से डिनोट करते हैं

और इसको यदि हम देखें तो ये बोल्ट अपॉन एम्पेयर और इट इज ओम तो ये जो यूनिट है ये रेजिस्टेंस के यूनिट है इंपीडेंस के यूनिट है तो जो जेड है द रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फीड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फीड वेक्टर वो इंपीडेंस को डिनोट करता है कोई भी आ, हम मीडियम ले सकते हैं कि मान लीजिए ये मीडियम है और ये कोई कनेक्टर है डायलैक्ट्रिक है कोई मीडियम है और इस मीडियम में जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है हाँ वो मूव करेगी तो ये जो मीडियम है ये मीडियम जो है इस वेव को चलने से प्रोपोगेट करने से रोकेगा रोकने की कोशिश करेगा और वो जो रोकना है वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करना है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चलने को प्रोपोगेशन को उसी को हम जो है फिजिक्स में इंपीडेंस कहते हैं तो जो भी नेट रेजिस्टेंस होगा नेट अपोजिशन होगा ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोनिक वेव थ्रू इट इट इज कॉल्ड एज द इंपीडेंस अब जब हम इंपिडेंस निकालना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो मीडियम कौन सा है क्या मीडियम कंडेक्टिंग है डायलैक्ट्रिक है इंसुलेटिंग है किस तरह का मीडियम है उसके हिसाब से जो है वो इंपीडेंस कैलकुलेट की जाती है uh, तो फर्स्ट केस के तौर पर हम ये एक मीडियम लेते हैं कि इलेक्ट्रोनिक वेवस इन ए कंडेक्टिंग मीडियम मान लो हमारे पास एक कंडेक्टिंग मीडियम है जिस मीडियम में कुछ फाइनाइट वैल्यू है मैग्नेटिक uh, मैग्नेटिकबिलिटी की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की और साथ में जो हाँ वो है वो कनेक्टिविटी की कोई मीडियम है जिसमें म्यू सिग्मा इनकी जो है हाँ वो कुछ फाइनाइट वैल्यू है हम इस तरह का मीडियम मान रहे हैं क्योंकि सिग्मा की कुछ फाइनाइट वैल्यू है सिग्मा इज अ कनेक्टिविटी इसका मतलब हुआ कि वो जो मीडियम है वो कनेक्टिंग मीडियम तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि जो इक्वेशन ड्राइव की थी फॉर द कंडक्टिंग मीडियम उसको लास्ट वाले लेक्चर में उसको हम ऐसे लिखते हैं डेल ई माइनस म्यू एफ करली स्क्र ई अपॉन करली टी स्क् माइनस म्यू सिग्मा करली ई अपॉन करली टी इक्वल टू जीरो ऐसे हमने जो है वो इक्वेशन एक जो है हाँ वो ड्राइव की थी उसी तरह से सेम इक्वेशन आप एच के लिए भी लिख सकते हैं तो एच के लिए हो जाएगी माइनस म्यू सिगमा करली एच अप अपॉन करली टी, टी इक्वल टू जीरो तो ये दो इक्वेशन है चाहे आप एच की लिख लो चाहे एक की लिख लो यदि हम एक प्लेन पोलराइज प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं जब हम प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखते हैं इसका मतलब जो वेव है दैट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस मान लेते हैं और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो वाई एक्सिस की तरफ है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो जेड एक्सिस की तरफ है मींस वन डाइमेंशनल वेव इक्वेशन यहां से ड्राइव करें तो ये जो डेल् स्क्वायर ई है इसकी जगह हम वन डायमेंशन में लिखेंगे तो ये जगह करली स्क्र क्योंकि यहाँ पे ई e की वैल्यू वाई के बराबर है और जो ई e, एक्स और ई e, जेड होंगे वो जीरो होंगे और उसी तरह से जो एच एक्स और एच वाई होंगे वो जीरो होंगे इसलिए जब आप इसका कर लेंगे कर्ली स्क्र निकालेंगे तो बाकी कंपोनेंट जीरो हो जाएगा यहां पे कर्ली स्क्र ई e, वाई अप करली एक्स माइनस म्यू एपसाइल करली ली ई वाई अपॉन करली टी स्वेर माइनस म्यू सिग्मा करली ई वाई अपॉन करली टी इक्वल टू जीरो हम सिर्फ एक इक्वेशन लेकर ही बात कर सकते हैं या दूसरी एच के लिए लिखने चाहें तो सेम इक्वेशन ऐसे हो जाएगी करली स्क्र एच जेड अपॉन करली एक्स स्क् माइनस म्यू एपसाइलेन कर्ली स्क्र एच जेड अप करली टी स्क्र माइनस म्यू सिग्मा कर ली एच जेड अपॉन कर ली टे इक्वल टू जीरो दो इक्वेशन जो है हमने इसके लिए लिख दी आप मान सकते हैं कि सपोज दिस इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू अब ये जो दो इक्वेशन हमने लिखी हैं इनके लिए यदि इन हम सोल्यूशन लिखना चाहें तो जो सोल्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन या इन दो इक्वेशन का उन सोल्यूशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ई वाई जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसका जो सोल्यूशन हुआ ई वाई इट कैन बी रिटन एस to टू ई नॉट ई minus टू पावर आयोटा उमेगा लेक्चर में भी बताया था और यहाँ पे ये हो जाएगा एच जेड इट इज इक्वल टू एच नॉट ई रेज टू पावर आयोटा उमेगा टी माइनस गामा एक्स ये जो दो वैल्यूज मैंने लिखी है ई वाई और ई जेड दे विल बी दल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू इसमें जो गामा है दिस गामा इट इज इक्वल टू वन प्लस वन प्लस आयोटा इंटू के जी के है इट इज वे वेक्टर ये इसको ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस आयोटा और इस के की वैल्यू होती है म्यू uh, उमेगा सिग्मा अपॉन टू ये पिछले वाले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था इसकी डेरिवेशन के साथ कि ये जो है गामा की वैली होती है ये सब कुछ पिछले लेक्चर में हमने जो है वो ड्राइव कर दिया था अब यदि हम यहाँ से आगे बात करें तो आगे की डेरिवेशन है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख दी हुई है तो हम यहीं से डिस्कस कर सकते हैं कि यदि हम मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट करें मैक्सवेल इक्वेशन मैंने बताई थी डेल क्रॉस ई इट इज इक्वल टू माइनस म्यू एच टी ये मैक्सवेल इक्वेशन होती है और यहाँ पे जो पीछे हमने ये दो सोल्यूशन लिखे हैं इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं सपोज इट इज इक्वेशन नंबर थ्री एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फोर तो जो मैक्सवेल इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इट इज इक्वल टू माइनस म्यू करल एच बाय टी इसको हम मान लें मान लीजिए इक्वेशन नंबर फाइव हम ये कह रहे हैं कि प्लेन पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है प्लेन पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब हुआ आ, कि जो वेव है इस तरह से आप ले सकते हैं कि वो वेव कहां जा रही है एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वाई e की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो जेड की तरफ है तो जो ई e एक्स और ई e वाई होंगे वो जीरो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ई वाई के बराबर होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसमें एच एक्स और एच वाई जीरो हुआ वो सिर्फ एच जेड के बराबर होगा तो इस फिफ्थ इक्वेशन को हम वन डायमेंशन के लिए रिड्यूस करें तो ये हो जाएगा कर ली ई वाई अपॉन कर ली एक्स डेल क्रॉस ई को एक्सपेंड करें और ये वैल्यूज पुट करें तो यहां से आएगा कर ली ई वाई अप ऑन कर ली एक्स इट इज अकॉर्ड टू माइनस म्यू एच की जगह कर ली एच जेड अपॉन कर ली टी अब जो मैंने आप सोल्यूशन लिखे थे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ई वाई एंड एच जेड जो इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर बताई थी उन वैल्यूज को हम पुट करें ई वाई की जगह ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई और एच जेड की जगह पे ये वैल्यू आ गई इसको यदि हम डिफरेंशिएट करें जब हम डिफरेंशियट करेंगे यहां x से कर रहे हैं तो ये माइनस गामा जो है वो आगे आएगा बाकी एज इट रहेगा और इस तरफ हम t से कर रहे हैं तो आयोटा उमेगा आयोटा उमेगा जो है ये आगे आएगा बाकी की टर्म जो है वो आ, सेम रहेंगी और अगेन ये वाली जो टर्म है क्योंकि एच ई वाई के बराबर थी तो इसको दोबारा से हमने ई वाई लिख लिया और ये वाली टर्म जो है वो दोबारा से एच जेड इसको हमने यहां पे लिख दिया और इस एच जेड को मैं यहां ले आया तो ई वाई अपॉन एच जेड इसको हम जो है वो इंपीडेंस कहते हैं यहां पे सी लगाया फॉर कंडक्टिंग कंडक्टिंग मीडियम मीडियम तो के लिए जो इंपीडेंस है अपॉन ये माइनस के साथ माइनस जो है वो कैंसिल हो गया यहाँ पे आयोटा म्यू ओमेगा और ये गामा जो है वो यहां से आ गया इसके नीचे अब इसमें ये जो गामा है जो मैंने पीछे बात बताई थी गामा इट इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा और साथ में म्यू सिग्मा उमेगा अपॉन टू तो यहां से ये वैल्यू जो है इसको हम यहाँ पुट कर रहे हैं और इसको ये डिनोमिनेटर में टर्म है टू ये ऊपर चला जाएगा टू और ये म्यू और उमेगा इसको यदि आप अनूट के अंदर लिखना चाहते हैं तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा तो इन दोनों टर्म्स को स्क्र करके हम अनूट के अंदर ले जाएंगे और ये आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा इसको अलग से लिख दिया ये स्क्वेयर हो गया तो यहां से एक म्यू के साथ एक स्क्वेयर कट जाएगा एक उमेगा एक स्क्वेयर कट जाएगा और यहाँ पे रहेगा टू म्यू उमेगा, उमेगा पॉन सिग्मा और ये वाली जो टर्म है वो सेम ऐसे रहेगी अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए यदि हम इसको थोड़ा सा रैशनलाइज करें तो यहां पे हमने इसको डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया वन माइनस और वन माइनस से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया तो आयोटा इंटू वन आयोटा आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस वन हो जाएगा इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वेयर तो यहाँ पे टू आ जाएगा अब ये अनूट टू है तो इसको हम अनूट टू इंटू अनूट टू लिख सकते हैं एक अनूट टू जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ अनूट टू रह जाएगा और ये फाइनली सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन आया यहां पे वन बाय रूट टू जो वैल्यू होती है वो कॉस फाइव बाई फोर की होती है तो यहां देखेंगे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कॉस फाइव बाई फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाई फोर तो इसको हमने पाई बाई फोर की टर्म में जो है वो आ, लिख दिया और इसको रिवर्स से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें टू तो तो पावर आयोटा पाई बाई फोर और ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है या कंक्लूड करें तो जो इंपीडेंस है इन ए कनेक्टिंग मीडियम जेड सी इट इज ए कॉम्प्लेक्स एंड इट इज इक्वल टू ई बाय अपॉन जेड और यहां पे e रिस्ट पावर iota पाई by 4 इस चीज को यदि हम एक ग्राफ की हेल्प से समझना चाहे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज ये हमारे पास दो एक्सेस हैं ये वाला एक्सेस रियल एक्सेस है और ये वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स एक्सेस है तो यहां पे ये रियल और कॉम्प्लेक्स एक्सेस के बीच में या आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो रियल एक्सेस है इसकी जो रियल वैल्यू है जेड की ये जो भी होगी म्यू उमेगा सिग्मा और ये कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी इमेजिनरी वैल्यू है ऑफ म्यू उमेगा अपॉन सिग्मा और इनका जो नेट कंक्लूडिंग हुआ दिस इज जेड सी और जेड सी का इसके साथ जो डिफरेंस है फेस डिफरेंस इट इज ऑफ पाई बाई फोर बेसिकली ये हमें ये बताता है जो यहां से कंक्लूजन निकला कि जो जेड सी है पहली चीज इट इज कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है इंपीडेंस और कॉम्प्लेक्स नंबर है साथ में इसमें जो फेस डिफरेंस है आप देख रहे हैं कि इसमें फेस डिफरेंस आ रहा है कितना पाई बाई फोर का तो जब भी कोई इलेक्ट्रोनिक वेव जो है किसी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर मूव करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है दे आर डिफ्रेंशिएटेड बाय एक कंपोनेंट फेस डिफरेंस ऑफ पाई पाईवाई फोर कह लो कि जो ई वाई और एच जेड है इनके बीच में जो है वो अराइज हो जाता है इनिशियली शुरू में जब कोई वेव होती है तो ई वाई एंड एच जेड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मतलब ई वाई और एच जेड के बीच में नाइंटी डिग्री का डिफरेंस होता है मगर जब वो किसी मीडियम के अंदर मूव करती हैं और वो भी कंडक्टिंग मीडियम में तो उसके अंदर एक एडिशनल पाई बाय फोर का फेस डिफरेंस जो है वो अराइज हो जाता है और इसको यदि हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था इट इज इक्वल टू ई नॉट ई रेस्ट पावर हम ऐसे लिख रहे थे आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा एक्स तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हुआ उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच नॉट जो इलेक्ट्रिक फीड वेक्टर और मैग्नेटिक फीड वैक्टर के बीच में अराइज होता है जब कोई वेव जो है किसी कंडेक्टिंग मीडिया में जो है हाँ वो मूव करती है अब हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें और डिस्कस करना चाहें तो इसको हम ऐसे बात कर सकते हैं मतलब एक दूसरे एंगल से यदि हम बात करना चाहें कि हम कह रहे हैं कि भाई कंडक्टर्स के लिए आ, कोई हमारे पास कंडक्टर है हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर होगा मीन्स उसकी जो कनेक्टिविटी है दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो नहीं होगी हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई जो होता है इट इज इक्वल टू ई नॉट ई टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस गामा एक्स और यदि हम करंट डेंसिटी को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं जे इट इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट को हम ऐसे लिखते हैं करली डी अपॉन करली टी और डी की वैल्यू होती है इनटू इंटू e, तो अपसाइलन बाहर करली ई अपॉन करली टी ऐसे लिखा जा सकता है और इसकी यदि हम वैल्यू पुट कर दें तो योगा कर लिया पॉन ली टी और इट इज ई नॉट ई रेस्ट पावर आयोटा उमेगा टी माइनस गामा एक्स ये इसकी वैल्यू लिख दी इसको यदि हम इक्वेट करें तो यहां पे आएगा कर ली डी बाय कर ली टी और इट इज इक्वल टू आयोटा उमेगा डिफ्रेंशिएशन करके अफसाइलन पहले से बाहर था और बाकी की टर्म जो है हाँ, वो एज इट इज आ जाएगी यही से तो इसको हम दोबारा से फिर ई जो है वो लिख रहे हैं तो एक हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है जे के लिए ये है करंट डेंसिटी की वैल्यू और एक है ये जो करंट डेंसिटी की वैल्यू है ये हमारे पास कंडक्शन करंट की डेंसिटी है कंडक्शन करंट को रिप्रेजेंट करती है और ये जो है ये डिस्प्लेसमेंट करंट को जो है वो रिप्रेजेंट करती है इन दोनों के यदि हम रेशो ले लें दैट इज जे अपॉन करली डी बाय कर ली टी यदि हम दोनों को डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा सिग्मा ई अपॉन आयोटा सॉरी आयोटा ओमेगा इनटू एफसाइलन तो ये जो हमने एक रेशो निकाली है ये हमें ये बताती है जो हम पीछे से डिस्कस कर रहे हैं उसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे कि जो कंडक्शन करंट है कंडक्शन करंट मैं कह रहा हूं कंडक्शन करंट कौन चीज हमें जे करंट डेंसिटी बताती है ये इट लैग डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट बाय पाई बाय फोर तो हमने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और कंडक्शन करंट है वो एक दूसरे में सेम नहीं होते सेम नहीं आ रहे हैं कुछ वैल्यू आ रही है और ये हम पीछे कह चुके हैं कि जो डिफरेंस है वो पाई बाई फोर का होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन से जो है हाँ वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है एंड बाईस वर्षा तो पाई बाई फोर का डिफरेंस आता है एक चीज जो हमने डिस्कस किया नाउ फोर गुड कंडक्टर यदि हमारे पास जो मीडियम है वो अच्छा कंडक्टर है फोर गुड कंडक्टर जो सिग्मा है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी वो म्यू इंटू उमेगा इंटू एफ साइलेंस से ज्यादा होगी और यदि डायलेक्ट्रिक है फॉर डायलेक्ट्रिक तो सिग्मा की वैल्यू जो है वो उमेगा इंटू एफ साइलेंस से कम होगी इसका मतलब ये रेशो जो है इसके ऊपर सिग्मा और अपसाइल की जो वेरिएशन है उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है इसका मतलब हम कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हैं कि कोई जो रिस्पॉन्स है रिस्पॉन्स ऑफ मीडियम कोई भी मीडियम जो है उस मीडियम का जो रिस्पॉन्स है टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड्स अपॉन फ्रुक्वेंसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है यदि कनेक्टर है कनेक्टिंग मीडियम के साथ में और ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई हायर फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो सेम मीडियम जो है हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो है एज एज ए कह सकते हैं कि कंडेक्टिंग भी एज ए डायलैक्ट्रिक एज ए डायलेक्ट्रिक मीडियम बिहेव कर सकता है और लो फ्रोक्वेंसी के ऊपर वही जो है एज ए मीडियम जो भी मीडियम का लो है तो कुल मिलाकर यहां तक हम ये बात कह सकते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है किसी कंडक्टिंग मीडियम के अंदर जो है हाँ वो मूव करती है जिसमें कंडक्टिविटी सिग्मा की कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है तो इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर के में एक एडिशनल फेज डिफरेंस जो है वो पाई वाई फोर का राइज हो जाता है और साथ में जो इम्पिडेंस है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है यदि हाई फ्रिक्वेंसी होगी तो कंडक्टिंग मीडियम जो है वो डायलैक्ट्रिक भी वेव कर सकता है और लो होगी तो वो जो है वो कंडक्टिंग भी बिहेव कर सकता है तो जब हम इम्पिडेंस की बात करते हैं तो मैंने पहले कहा था कि इम्पिडेंस में ये इंपॉर्टेंट है कि मीडियम कैसा है तो अभी हमने कंडक्टिंग मीडियम की बात की अब हम दूसरी बात करते हैं कि मान लीजिए दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो मीडियम है कंडक्टिंग नहीं है डायलेक्ट्रिक मीडियम है सम सॉर्ट ऑफ इंसुलेटिंग मेटीरियल तो जो हमने पीछे इक्वेश ड्राइव की थी डिस्कस की है हमने स्टार्टिंग में वहीं से बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वेव की जो इक्वेशंस हैं ये दो इक्वेशंस हमने ड्राइव की थी जिसको हमने पहले इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू कहा था और इनमें यदि हम स्पेशल केस पुट कर दें कि अब हमारे पास जो मीडियम है इट इज डायलेक्ट्रिक यदि मीडियम जो है वो डायलैक्ट्रिक है इसका मतलब उसकी जो कनेक्टिविटी है वो जीरो है तो सिग्मा को जीरो पुट कर दिया जाए तो जब आप यहां सिग्मा जीरो पुट करेंगे यहां जीरो पुट करेंगे तो दोनों टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगे और हमारे पास ये दो इक्वेशन रहेंगी दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर तो ये जो दो इक्वेशन है इनका यदि हम सोल्यूशन लिखे ये भी हम पहले कह चुके हैं डिस्कस कर चुके हैं इनको ड्राइव कर चुके हैं कि जैसे होता है तो उनके सोल्यूशन जो है उनको इस तरीके से जो है हाँ वो लिखा जाता है और जो मैक्सवेल इक्वेशन है डेल क्रॉस ई इंटू माइनस म्यू करली एच बायी टी जो पिछले केस में भी हमने डिस्कस किया इसकी वन डायमेंशन प्लेन पोराइस वेव इक्वेशन लिखें तो जो ई है ये डेल क्रॉस ई ये रहेगा सिर्फ कर 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 ली ली और यहां HZ, T, बाकी कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएंगे जब हम डेल क्रॉस ई e को जो है हाँ, वो एक्सपेंड करेंगे तो यहां से ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है अब हम इसे आगे बात करेंगे तो यहां पे ये जो हमारे पास इक्वेशन है हमने ये कहा था कि इसमें वैल्यूज को पुट कर दिया जाए कर लिए पॉन करली एक्स जो ई एक्स की वैल्यू है उसको हम पुट करें ई एक्स की वैल्यू थी ई नॉट ई रेस्ट पावर आयोटा और यहाँ पे था उमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरी तरफ है माइनस म्यू कर लिए पॉन ली टी यहां पे हो जाएगा एच नॉट ई रेस्ट पावर आयोटा उमेगा टी माइनस के एक्स तो ये दोनों की वैल्यूज हमने यहां पे पुट की इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें यहाँ x से डिफ्रेंशिएशन है तो यहाँ हमारे पास ये माइनस के एक्स है तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा k और बाकी की टर्म जो है एज इट इस तरफ जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस म्यू पहले है t के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो आयोटा omega आएगा और रेस्ट ऑफ द टर्म बिल रिमेन सेम आयोटा omega टी माइनस के एक्स तो ये जो वैल्यू है इसको हम ई वाई लिख सकते हैं और इसको हम एच जेड तो जाएगा माइनस आयोटा के इट इज ई वाई एंड इट इज इक्वल टू माइनस आयोटा म्यू ओमेगा और इट इज एच जेड तो हम कह रहे थे कि वे जो इंपीडेंस है डायलैक्ट्री के लिए तो डी लिख लेते हैं इट इज जस्ट द रेशो ऑफ ई वाई अपॉन एच जेड एच जेड ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा एच जेड यहां पर आ गया यहां हम, गया हमारे पास रह गया म्यू उमेगा अपॉन के अब इसको थोड़ा सा यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा म्यू उमेगा को हम लिख सकते हैं टू पाई म्यू जो के है वे वेक्टर होता है टू पाई अपॉन तो टू पाई के साथ टू पाई कैंसिल हो जाएगा म्यू और साथ में ये जो वैल्यू है हमारे पास लेमडा की ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे दिस इज म्यू और ये न्यू और ये लेमडा ऊपर चला गया तो यहां से ये न्यू इंटू लेमडा जो है ये ब्लॉस्टी के बराबर होता है तो उसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटू बी बी दैट इज द बिलास्टी और यहां पे हमारे पास केस में आएगा ब्लास्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ये हो गया कि जेड d that is the impedance of the dielectric medium it is equal to e y upon h z it is equal to mu b velocity को हम ऐसे लिख सकते हैं one upon under root mu into epsilon जो velocity of light होती है mu not epsilon not होता है जब medium में निकालेंगे तो simply mu और epsilon होगा इस mu को हम अंदर लेके जाएं तो हम इसको under root में तो ये हो जाएगा mu square mu epsilon ये एक इसके साथ cancel हो जाएगा and we will left with zd it is equal to under root mu upon epsilon ab yahan pe ye hamare paas jo hai wo expression aa gaya this is the impedance offered by a dielectric medium to the propagation of the electromagnetic wave यदि हम vacuum की बात करें कि भाई vacuum में कोई wave जो है move वो कर रही है तो क्या vacuum भी उसको कुछ resistance offer करता है तो उस केस में vacuum के लिए mu की value जो है वो mu नॉट के बराबर हो जाएगी और ये वैल्यू फोर पाई इंटू टेन टू इस पावर माइनस सेवन एच पर एम के बराबर होती है और उसी तरह से एफसाइलन ये एफसाइलन नॉट के बराबर हो जाएगा और यहां पे इसकी जो वैल्यू है वो एट पॉइंट एट फाइव फोर टेन टू इस पावर माइनस ट्वेल्व फेरडे पर मीटर ये दो वैल्यूज को यदि हम पुट करें यहां पर तो ये जो जेड डी है ये हो जाएगा जेड डी नहीं सॉरी जेड जीरो वैक्यूम के लिए इट विल बी म्यू नॉट कम्स थ्री बी 377 ओम uh, जो, तो जो है वो रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस जो है वो ऑफर करती है तो एज ए कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि वे इलेक्ट्रोनोलिक वेव मूव थ्रू ए मीडियम तो मीडियम जो है उस इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को रोकने की कोशिश करता है अपोजिशन ऑफर करता है रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो वो जो नेट अपोजिशन है दैट दैट इज कॉल्ड एज द द वो जो है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम यदि हम कंडक्टिंग मीडियम की बात करें तो जब कंडक्टिंग मीडियम में कोई इलेक्ट्रॉनिक वेव मूव करती है तो कंडेक्टिव uh, मीडियम में एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस जो पाई बाई फोर का राइज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बैक्टर्स के बीच में और वही जब कोई वेव जो है किसी डायलैक्टिक मीडियम के अंदर मूव करती है तो उसकी जो इंपिडेंस है उसको हम यहां से डिटेक्ट करते हैं अनरूट मॉन साइलेंट और जब कोई वैक्यूम में मूव करती है तो इवन यहां पर भी वैक्यूम में भी कुछ इंपिडेंस जो है वो ऑफर होती है और वो उसकी जो वैल्यू है वो 377 ओम के बराबर होती है तो आई होप आ, कि ये जो इंपीडेंस का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन तीन में से कंडक्टिंग मीडियम डायलैक्ट्रिक मीडियम या वैक्यूम इनमें से कोई भी एक पार्ट जो है एग्जाम में आ सकता है ये इंपॉर्टेंट है तो यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एचपाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक like करें और बाकी बच्चों के साथ शेयर करें ताकि सभी को जो है इनका बेनिफिट हो सके थैंक यू